अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। दिस इज़ बुशरा राजपूत। मैं एक बड़ा रैंडम सा व्लॉग डाल रही हूँ। ये मेरे बर्थडे के दिनों का व्लॉग है। मैं अपने एरिया में ही थी, अपनी बहन के साथ जा रही थी क्योंकि उसको जो है अपने लिए कुशन के कवर सिलवाने थे। मैं आपको डिटेल्स देती हूँ आगे। 300 कह रहे ना। अच्छा, और ये जो बैग फिटर आते हैं, ये PIB में ये एक शॉप है, उनके पास बड़े अच्छे अच्छे कंफर्टर्स थे। पैसे मैंने पूछे नहीं क्योंकि मेरी सर्दियों की शॉपिंग हो चुकी थी, तो पूछने की भी ज़रूरत नहीं थी। बहुत रीज़नेबल हैं। आप जाएंगे अंदर PIB में, अगर आप इस एरिया में रहते हैं तो आपको बहुत अच्छे रेट्स पे सब कुछ मिल जाएगा। इनके पास सब कुछ था, बेड शीट्स, कम्फर्टर्स, कुशंस, पिलो, हर चीज़ है। तो आप जाके इनसे बात करें। बल्कि PIB में तो बहुत सारी दुकानें होती हैं, आपको हर कोई दे देगा और रीज़नेबल भी कर देते हैं। आप जितनी बार्गेन करेंगे, आप बार्गेनिंग में चैम्पियन होने चाहिए बस। अच्छा, PIB में रहने वालों को ये बात ज़रूर पता होगी कि यहाँ पे इकबाल लिम्को के नाम से एक शॉप है जिसपे आपको सारी टी टाइम स्नैक्स मिल जाते हैं, पकोड़े, समोसे और जलेबी बहुत अच्छी है यहाँ की। यहाँ के जो पैटीज़ हैं वो बहुत अच्छे हैं। ख़ास तौर पे मेरा फेवरेट है यहाँ पे जो वेजिटेबल रोल होते हैं, कभी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये हंस की गोली, ये मैंने अंकल को ऐसे कहा मुझे ट्राई कराएं, मुझे बहुत खाने का शौक है, कभी खाई नहीं है। और मैंने अपने आगे वाले दांतों से चबा ली थी, फिर मैंने सोचा कि क्यों चबाई, या तो दांत टूट जाता या फिर वो हंस की गोली टूटती। खैर, वो तो नहीं टूटी, दांत भी बच गए मेरे। कभी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं बहुत जल्द इसका जो है ना एक इजी वर्जन शेयर करूंगी आप लोगों के साथ कुछ टाइम में। मैंने सोचा हुआ है, रेसिपीज की प्लान की हुई है, ज़रूर मैं शेयर करूंगी। यहाँ से हम लोग और आगे चले गए थे। ये तो समझे एक तरीके से पूरा टूर ही हो गया आप लोगों का मेरे एरिया का। यहाँ एक सब्ज़ी गली है बहुत मशहूर, और इनकी सब्ज़ी बहुत बहुत फेमस है। या तो हम लोग बहने जब भी सब्ज़ियाँ लेते हैं इनसे लेते हैं, या फिर एक और जगह है मैं अक्सर आप लोगों को दिखाती हूँ, वो राजपूत मिल्क शॉप के आसपास है, वो भी मैं बहुत बार दिखा चुकी हूँ। सब्ज़ियाँ इतनी फ्रेश आना शुरू हो गई हैं, जैसी सर्दियाँ आती हैं आपका दिल चाहता है हर सब्ज़ी ले लो। इस वक्त मैं यहाँ पे लेने आई थी गाजर क्योंकि गाजर का हलवा बनाना था, और हम लेने आए थे लौकी क्योंकि लौकी का हलवा बनाना था। ये दोनों चीज़ें फेवरेट हैं हमारी। मैंने लौकी के हलवे की रेसिपी पिछले हफ्ते ही शेयर की है, वो शादियों का लौकी का हलवा जो होता है वो उसकी रेसिपी है। गाजर का हलवा मैं बहुत पहले सिखा चुकी हूँ, सीखना हो तो ज़रूर जाके देखिएगा, बहुत हेल्प मिलती है। क्योंकि जब भी आप वो बनाते हैं ना, उसके बाद कोई भी यकीन नहीं करता कि एक घर का बना है। मेथी क्या हिसाब है? 60 रुपये पाओ। बाकी में ये एक अचीवमेंट है, अच्छा झाड़ू पहचानना, क्योंकि जितनी हर चीज में मिलावट हो रही है वहाँ पे आजकल झाड़ू में भी बहुत मिलावट है। तो मेरी बहन मेरे साथ जो थी उसको अच्छी खासी इस चीज की पहचान है, वो इसलिए इतनी सारी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी क्योंकि घर अगर आप गलत चीज ले आए तो अम्मा के हाथों से गए। बनाइए, मीठी वाली निकालिएगा। कैसे पता चलता है मीठी कौन सी है? कैसे पता चलता है मीठी कौन सी है? पता चलता है, नरम है ना। नरम तो हो ही जाती है बनने के बाद। तो मुझे भी सिखा दे। नरम लाते हैं, नरम लाते हैं। मीठा फिर भी कोई तो दिखाएं, इशारा तो बताएं। मंडी में पता चलता है ना? हाँ, हम लोगों को पूरे पता चलता है मंडी में। किस पे? मंडी में। मंडेरी में वो क्या होता है? मंडी पे जावे। अच्छा, मंडी पे, सही समझ गई। पता चलता है। अच्छी दाल मीठी हो बस, क्योंकि अम्मी को लेके चलो। महंगाई हो गई है, 80 रुपए की शक्करकंदी आ रही है। वो तो पहले कैसी कैसी होती थी, 10 या 20 रुपए किलो। लाख वीडियो किया हुआ था। हाँ, वीडियो बना रही हूँ अभी। यहीं पे खड़े होते हैं आप? हाँ, वहीं पे खड़े होंगे। हल्का ही मसाला डालिएगा। हाँ,
थोड़ा सा डालिएगा बस। चॉपर में डालो? नहीं, बस ऐसे ही देते हैं हाथ। वो सब चेंज हो गया या है बीबी सब? इस कॉफ़ी की रेसिपी भी मैं पिछले साल भी सिखा चुकी हूँ और मेरे ख्याल से एक दो हफ्ते पहले भी मैं सिखा चुकी हूँ। आप जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे ही, जिस पे नीचे बिशोग्राफी लिखा हुआ रहा है, आप क्लिक करेंगे आपको रेसिपी मिल जाएगी। अभी विंटर्स के लिए बेस्ट होता है ये, घर में बनाए, बाहर से लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आगे मैं आपको दो तीन गिफ्ट सिखा रही हूँ, वो इन्जॉय करें। मुझे एक बहुत हसीन तोहफा आया हुआ है अनुषा क्रिएशंस की तरफ से, आप इनकी डिटेल्स सेव कर सकते हैं। इन्होंने जो है मुझे कुरान पाक भेजा हुआ है, ये रेनबो कुरान पाक है। इसके कुछ फीचर्स मैं आपको बता देती हूँ। ये जो है वो ग्लॉसी रेनबो कलर्ड पेजेस हैं, इसके 16 लाइंस हैं एक पेज में। तजवीद की भी जो है आपको गाइडेंस दी गई है। लेदर एम्बोस्ड है, ये 5 कलर्स में अवेलेबल है, वाइट, लाइट पिंक, डार्क पिंक, पर्पल एंड टर्कोइज़। मैंने पर्पल मंगवाया है अपने लिए। और आप जो है इस पे देख सकते हैं कि इन्होंने जो है वेलवेट काबा बॉक्स भी दिया हुआ है इसके साथ। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ इसको आराम से। है हमारा वेलवेट काबा बॉक्स, सुभान अल्लाह, दिस इज द बॉक्स। और उसके बाद ये है कुरान पाक, ठीक है, ये पर्पल कलर में मैंने मंगवाया था। ये आप देखें इसके पेजेस, बिस्मिल्लाह, ये देखें ये सारा रेनबो है, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है, लाइट सा है पढ़ने में, तो वैसे ही आपको पता है मज़ा आता है कुरान पाक को। ये देखें ये इसके पेजेस का कलर है, नीचे सारी डिटेल्स के साथ है, जैसे उन्होंने बताया तजवीद सब बताई गई है। और इसमें 16 लाइंस है, ज़्यादा लिखा हुआ होता है तो पढ़ने में बहुत मुश्किल होती है, लेकिन ये देखें। अगर आपको भी ऑर्डर करना है, वैसे ही शादी सीज़न आ रहा है, अगर आपको भी किसी को गिफ्ट करना होता है और ख़त्म कुरान होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप ये गिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखो इसकी डिटेल्स हैं, ये एक बुक मार्क के साथ है, रबी ज़िनिलमा लिखा हुआ है, और इस पर ये इनकी डिटेल्स हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटिफुल गिफ्ट। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल बबल गन का कितना ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है, और ये एक ही वक्त में बहुत सारे बबल्स आपको दे सकती है, मतलब उड़ाती है। मैंने ग्रेस ऑनलाइन कम्युनिकेशन से ऑर्डर की थी, ये इनका पेज है, मैं बार बार इनसे अच्छी चीज़ें ऑर्डर करती हूँ और रिकमेंड भी करती हूँ ट्राई करने के बाद, आप भी इनसे ऑर्डर कर सकते हैं। मेरे पास ये कलर आया था, मुझे लगा था गोल्ड होगा, लेकिन ये येलोइश टाइप है, और ये एक लिक्विड के साथ आता है। पहले मैं ख़ुद ट्राई करूँगी और फिर ही उसके बाद ही अरहम के पास लेके जाऊँगी, क्योंकि बेइज्जती होने से बड़ा डर लगता है, और आपको पता आजकल के बच्चे भी तो नहीं मानते। लुक, ये कितना परफेक्टली काम कर रहा है।